जब बनाया था तो कई लोग तो एंटर करते थे गेट में और डर जाते थे कि तुमने कोई गार्ड बैठा रखा है। एंड ये चाइनीज इसको मनी प्लांट कहते हैं। जब उन दिनों अभी जुलाई उलाई में जैसे आप रिस्ट पर राखी बांधते हैं उसी तरह का फूल आता है इसमें, और इन्हीं दिनों होली के समय ये बिल्कुल ब्लूम पे रहता है। अब मैम इस कॉर्नर की बात करते हैं, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ आपने कुछ वेस्ट चीज़ें भी यूज़ कर रखी हैं, कुछ डेनिम वगैरह यूज़ कर रखी है, तो इनके बारे में बताएं। ये डेनिम का जीन्स पुराना एंड वो था, तो मैंने इसको ऐसे लुक दिया है कि लगता है कि कोई बैठा हुआ है। जब बनाया था तो कई लोग तो एंटर करते थे गेट में और डर जाते थे कि तुमने कोई गार्ड बैठा रखा है गार्डन में जो है, तो इस तरह का लुक मुझे दिया समझ में आया। फिर ये कॉर्नर में चलते हैं, उधर रॉकरी एक बनाई थी तो इसको वहाँ मंदिर लगा दिया है, और जैसे लगता ये इम्प्रेशन डाला है कि सीढ़ियों से लोग ऊपर मंदिर में जा सकते हैं, इस तरह का लुक देने की कोशिश किया है। बहुत ही सुंदर। और इस तरफ देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ इस तरह की चीज़ें भी आपके गार्डन में आप बनवा सकते हैं जो बहुत सुंदर लगती हैं। इसी के बगल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैम बुद्धा जी का मंदिर है जी, ये देखिए, तो यहाँ पे बुद्धा जी विराजमान हैं और बहुत ही सुंदर। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये रॉक्स का इस्तेमाल किया हुआ है और उसी तरह से इसे बनाया हुआ है। और मैम यहाँ पे तो आम भी हैं काफ़ी सारे ये देखिए, ये सारे नकली आम हैं। दूर से लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ हर सीजन में आम खिला रहता है तो ये नकली आम है जो कि डेकोरेशन पर्पज़ से मैम ने बनवाए हैं और यहाँ पर डेकोरेट करवाया है। तो बुद्धा टेम्पल आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी से मैं बताना चाहूँगा कि मैम का गार्डन बहुत बड़ा है। अभी तो हम फ्रंट एरिया में हैं, अभी हम गैलरी से होते हुए ऊपर भी जाएंगे तो ऊपर आपको बहुत सारी चीज़ें मैं दिखाने वाला हूँ। तो आगे आप वीडियो में बने रहें, आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली है। मैम एक ये ट्रे गार्डन है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है, ये बारे में बताएं जी। ये अभी ये तो ये होता है सर, एक्चुअली फेंस होता है, बट इसका मैंने ये टोपियरी का डिज़ाइन किया है इसको, और फिर ऐसे ही बस जस्ट एक कोई पेड़ वेड़ कटा था तो इससे ये है इसकी बाउंड्री बनाया है। टाइल्स को यूजलेस टाइल्स से पाथ बनाया है, जैसे जो टाइल हमारी वेस्ट हो जाती है वो भी आपने यूज़ करी हुई है, यूज़ किया है वो एक उसी टूटे फूटे टाइल्स से ही वो एक टेबल बना दिया है इसको। एंड इधर एक छोटा सा कैक्टस गार्डन बनाया है। दूसरी तरफ चलेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से डेकोरेशन हुई है। तो ये आ गया मैम कैक्टस गार्डन, कैक्टस गार्डन, और इसको कि कैक्टस है और इधर कुछ पानी, इधर नीले पानी है और इधर पहाड़ों पे जैसे कैक्टस उगाते हैं इस तरह का ब्यूटीफुल। ये है इसमें देखेंगे वेस्ट जो प्लेट होती है सिरेमिक की वो मैम ने यूज़ करी हुई है, तो इसी तरह आप भी चीज़ें जो वेस्ट हो जाती हैं उनको अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। एक इस कॉर्नर पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको बहुत ही सुंदर डेकोरेशन नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे धूप नहीं आती तो मैं अपने आर्टिफिशियल ग्रास को यूज़ किया हुआ है। हाँ जी जी, एक ये ट्रे गार्डन अभी अभी बनाया था, ये भी जैसे गेट का लुक देने के लिए वेस्ट लकड़ियों से उसको ऐसे बीन के और इस तरह से करके एंड थोड़ा सा ग्रास एंड एक यहाँ भी ये ऐसे कछुए में, ये एक लाइट था एक्चुअली, वो जब नहीं काम करने लगा तो मैंने इसमें ये कैक्टस ये लगा दिया है, ये हवर्तिया लगा दिया है। नाइस, तो ये देख सकते हैं फ्रेंड ये एक्चुअली में लाइट थी जिस वो वेस्ट हुई यहाँ पे यूज़ कर ली है, और मनी प्लांट से बहुत ही सुंदर ये आकार दिया गया है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल जो ट्रे गार्डन है बहुत ही सुंदर लग रहा है। सेकुलेंट्स मैम अभी मार्च मंथ है, अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है जी, लेकिन आपको सेकुलेंट्स में प्रॉब्लम कब आनी शुरू हो जाती है? सेकुलेंट्स की वही बरसात जब आएगा तो इसको बचाना पड़ता है सेकुलेंट को, उसकी तब केयर करना। गर्मियों में बच जाता है आपके पास? जून गर्मियों में तो बच जाता है थोड़ा, और जब उधर जब ज़्यादा बारिश होती है तब सेकुलेंट जो है वो गलने लगते हैं। अच्छा, और थोड़ा ठंड में भी इनको थोड़ा सा धूप में रख के बचाना पड़ता है।
ये मेरे गार्डन का फ्रंट एरिया है और इसको इस पे मैंने दो स्टेप्स बनवाए पहले, उस पे फिर इस तरह से क्रोटन रखा छोटे छोटे हाइट का, और एक ये बहुत ऐसे ही जो यूज करते हैं गांव-गांव में बड़ा सा अनाज रखने के लिए, उसको मैंने इस तरह से बना के यो किया है। फिर एक छोटे से ये आप देख सकते हैं, एक इस पे लिख दिया है छोटे से स्टोन पे कि ये सब है बट सब मोह माया है, इसमें हम लोग फंसे रहते हैं। एंड ये चाइनीज इसको मनी प्लांट कहते हैं, तो ये मैंने इस तरह से इस लगाया है। और ये वेस्ट टायर का ये बना हुआ है इस तरह से जो है, ये वेस्ट टायर से आपने बनवाया है? वेस्ट टायर से जी, बहुत सुंदर मैम, वेस्ट टायर से ही है। एक ये जो पेड़ है जो सूख चुका है शायद, कौन सा पेड़ है और इसमें क्या अभी भी मतलब ये चलने वाला है या खराब हो गया है? ये एक्चुअली ये था मसंडा था एक कलर का, बट ये यहाँ इसमें कुछ कीड़े लग गए वो हो गया, बट अब इसके ऊपर हम राख, ये आप देख सकते हैं एक बेल जा रहा है जी। वो अब निकल रहा है, ये देख सकते हैं। हाँ। राखी बेल इसको कहते हैं जी। जब उन दिनों अभी जुलाई उलाई में जैसे आप रिस्ट पर राखी बांधते हैं उसी तरह का फूल आता है इसमें पर्पल कलर का, तो ये पूरा, तो इसलिए मैंने इस पेड़ को नहीं हटाया कि इस पे सब अभी बेल से फूल खिल जाएंगे जो है। बहुत बढ़िया। और एक ये मेरे गेट पर आप ये देख सकते हैं, कोलेंचू का ही एक वैरायटी है ये, कोलेंचू का, तो देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल हो जी बट ये कोलेंचू है ये, और इसको थोड़ा संभालना बहुत मुश्किल होता है लेकिन मेरा बच गया। तो ये भी मल्टीप्लाई कर किया हुआ है, ये नहीं कि मैंने कहीं से इतने सारे पौधे खरीद लाए हैं, सब मल्टीप्लाई किया हुआ। किस तरह मल्टीप्लाई होता है मैम? ये छोटी छोटी इसकी कटिंग जो है उसको ठीक से थोड़ा सा पूरा सॉयल नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा कंक्रीट होना चाहिए जी। तो तब आपका वो जड़ ठीक से ग्रो करेगा एंड वो गलेगा नहीं जो है, तो इस तरह से इसको बचाना। आपके जैसे ये सारे के सारे मैं प्लांट देख रहा हूँ बहुत ही हेल्दी कंडीशन में है, तो आपने आप किस तरह सॉइल बनाते हैं, आपका सॉइल मिक्स कैसा होता है? सॉइल मिक्स तो वही नॉर्मल गोबर का ही होता है जी। और उसमें आजकल एक एप्पल पार्ले जी करके आता है ओके। तो वो हम थोड़ा मिक्स करके डालने लगे हैं, तो उससे हम देख रहे हैं कि मेरे प्लांट्स पहले से थोड़ा काफ़ी हेल्दी रहने लगे हैं ओके। तो आप उसमें कंपोस्ट मिक्स करते हैं अलग से और जो आपकी नॉर्मल सॉइल है उसमें कंपोस्ट मिक्स करके फिर आप यूज़ कर रहे हैं जी। तो रेशियो क्या रहता है मैम, कितनी अलग से कंपोस्ट डालनी होती है? 20%, 30%, 40%? 40% तो वो रहता है कंपोस्ट रहता okay. है एंड 40, 20 and 20 कुछ इस तरह से हो गया ना, मतलब तीनों के तीनों आप कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तीनों को लगभग 33% रहता होगा। हाँ ऑलमोस्ट, हाँ ऑलमोस्ट। तो तीनों चीज़ें मिक्स करते हैं बराबर बराबर हाँ, और उसके बाद फिर इस तरह यूज़ करते हैं जिससे इनका सॉइल बहुत अच्छा बना रहता है। मैम ये जो एरिया है ये पूरी की पूरी गैलरी है जो कि आगे हमें टेरेस गार्डन तक लेके जाने वाली है। यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंड दोनों ही तरफ बहुत ही अच्छे से गार्डनिंग की हुई है, तो इसकी बात करेंगे फिर हम चलेंगे ऊपर टेरेस पे। तो हम इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ पे देख रहा हूँ काफ़ी सारे आपने ऑक्सीजन वाले प्लांट लगा रखे हैं, काफ़ी सारे इंडोर प्लांट है, सेमी शेड प्लांट है, तो इनकी आप बात करें। ये तो सब ये जेड का मैंने ये बना रखा है, जेड का है ये, जेड भी कहते हैं घर में लगाना बहुत शुभ मानते हैं, तो जेड का हमने वो किया है। एंड ये एरोकेरिया सारे हैं जो कि ऑक्सीजन आपको देते ही हैं, ये मनी प्लांट है आगे, एंड ये एरोकेरिया ही ज़्यादा है एंड वो फाइकस है, और इसको क्या कहते हैं अभी एक बल्ब के शेप में ये तैयार होता है, तो ये अभी मैंने ये लगा के इसको बड़ा किया है जो है, ये पूरा आपको फुटबॉल जैसा दिखेगा जो टेबल काम नहीं है ना जी। ये बहुत ही बढ़िया शेप तैयार हो रही है इसकी फ्रेंड, और यहाँ पे देखिए पिंक कलर में आपको पनसेटिया भी देखने के लिए मिलने वाला है जी, इसके कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये सब एग्लोनीमा के कलर्स हैं, ये अलग अलग कलर्स आ गए हैं एग्लोनीमा के, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसी के बगल में आप देखेंगे तो सिंगोनियम की कुछ वैरायटी आपको नज़र आ रही हैं,
तो अलग अलग तरह के जो इंडोर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक ये बोगनविला आप देख सकते हैं, इसमें शुरू में वाइट होगा, फिर ये रेड होता जाएगा, इस तरह से ये कलर चेंज करता है। और ये एक छोटे से पॉट में था, उसके बाद मैंने इसको बड़े से ड्रम में कर दिया, और ये इससे फिर और भी कटिंग बनाते हैं जब कटिंग, बट ये एकदम से लाजवाब, और इन्हीं दिनों होली के समय ये बिल्कुल ब्लूम पे रहता है। ये वाला शेड जो है आप देख सकते हैं, इसमें कितने तरह के शेड आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत दिखता है इस मौसम में ये। इसी तरह फ्रेंड अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मैं एक बहुत ही सुंदर सिंगोनियम दिखाने जा रहा हूँ, जहाँ पे बुद्धा जी भी हैं। बहुत ही सुंदर ट्रे गार्डन मैम ने रेडी कर दिया। तो मैम ये जो सिंगोनियम है इसमें लगा हुआ है, कितना पुराना सिंगोनियम है? ये भी 5 साल पुराना तो हो ही गया है। आप और देख सकते हैं, ये ट्रे भी बस ऐसे ही जो कुछ दिवाली वाली की मिठाई आती है वो उसको यूज करके बनाया गया है, कोई ऐसा नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि मैम आपके गार्डन में हमें अलग अलग तरह के पॉट्स तो नज़र आ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप बात कर रहे हैं कुछ वेस्ट चीज़ों की भी, यानी कि आप वेस्ट चीज़ें भी अपने गार्डन में यूज़ कर लेते हैं जिन्हें अक्सर लोग फेंक दिया करते हैं। तो हमें अपने गार्डन में वेस्ट चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं हमें बजट गार्डनिंग करने में मदद करती हैं। तो काफ़ी सारे लोगों का ऐसा मानना है कि गार्डनिंग एक महंगा शौक़ है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप में थोड़ी सी क्रिएटिविटी है तो आप अपना ये कर सकते हैं। अब जैसे देख सकते हैं ये कभी हम लोग लाए थे वेजिटेबल वगैरह, तो डोंगे टूट जाते हैं, सेट गड़बड़ हो जाते हैं, तो ये नहीं कि फेंक दिया उसको इस तरह से यूज कर लिया। फिर ये इस तरह से जो हम लोगों के ऊपर बाथरूम बनते हैं तो उसमें डाला जाता है, तो उसमें आपको ऊपर चलेंगे तो हम दिखाएंगे, उसमें भी फाइकस वगैरह लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ था पहले। और आप ये देख सकते हैं, ये हम जो मॉप का वो होता है वो उससे ये बना हुआ है, मॉप टूट गया जिस पे हम लोग घर में मॉप के लिए यूज करते हैं ना, उससे ये बना हुआ है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीज़ें जो हमारे घर में वेस्ट हो जाती है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी हो, हमें आइडियाज़ आएँ, तो हम उनमें भी प्लांट इजीली ग्रो कर सकते हैं, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे नज़र आ रहे हैं कुछ बॉन्ज़ाई जो कि बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे एक बरगद का बॉन्ज़ाई है मैम, ये कितना पुराना बॉन्ज़ाई होगा? ये भी 15 ईयर्स का हो गया। वाह, लगभग 15 साल पुराना फ्रेंड बॉन्ज़ाई आपके सामने है, और देख सकते हैं एरियल रूट्स कितनी सुंदर है, और ऊपर से नीचे तक जो स्ट्रक्चर है बहुत ही अच्छा है, साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही साइज़ है। तो हमें इसे बनाना आपने 15 साल पहले शुरू कर दिया था, किस तरह से एक बॉन्ज़ाई को रेडी करना चाहिए अगर बरगद का कोई बॉन्ज़ाई बनाना चाहता है, तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बरगद का बॉन्ज़ाई बनाना कोई मतलब वो मुश्किल नहीं है, बट एक ये ध्यान रखना है कि अच्छे से थोड़ा सा तो हेल्दी उसका नीचे का जड़ हो, एंड देन उसको फिर पहले छोटे पॉट में करिए, फिर जैसे जैसे उसके तने बढ़ने लगें तो थोड़ा पॉट चेंज करते रहते हैं ताकि उसको और स्पेस मिले और उसको उसको फूड मिल सके, वो जिससे कि वो ग्रो करने में उसको हेल्प मिले। तो इसलिए ये वाला 15 ईयर्स होके भी लगता है जैसे नीचे ज़मीन में जिस तरह से आती है ना जड़ें, उस तरह से इसमें भी आ गई हैं, कि देख सकते हैं आप ऊपर से नीचे इस तरह से जड़ें सब जा रही हैं। तो बिल्कुल सेम जो हमें बरगद बाहर नज़र आते हैं वही आपको एक तरह से मिनिएचर उसका रूप नज़र आता है, जिसे हम बॉन्ज़ाई कहते हैं। इसके बगल में चलते हैं मैम, ये भी बहुत ही सुंदर बॉन्ज़ाई आ चुका है, आई थिंक फाइकस का बॉन्ज़ाई है ये जी। और इसकी भी देखेंगे फ्रेंड आप एरियल लूट्स कितनी सुंदर लग रही हैं, और नीचे आप देखेंगे मैम जिंसिंग के ऊपर ग्राफ्ट किया हुआ है इसे जी, बहुत ही सुंदर। ये जो रॉक इस पे रखा है तो देखिए इसके जो रूट्स निकल रहे हैं वो इसको लपेट रहे हैं इसके साथ में। तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स को मैंने कुछ दिन पहले जिंसिंग दिखाया था, आप इस तरह के जिंसिंग यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर जो ग्राफ्टिंग कर रखी है फाइकस की वो देखिए कितनी सुंदर हो गई है, कितनी बड़ी हो चुकी है, और यहाँ से जो एरियल रूट्स निकलनी शुरू हुई हैं वो इसको और भी खूबसूरत बना रही हैं। तो आप अगर बॉन्ज़ाई खुद डिज़ाइन नहीं करना चाहते, आप उसको वायर नहीं कर सकते, तो आप जिंसिंग को चूज़ कर सकते हैं। जिंसिंग
के ऊपर जब फाइकस की ग्राफ्टिंग कर दी जाती है और धीरे धीरे जब वो मैच्योर होता है तो आपको कुछ ऐसा रूप देता है। तो इस बॉन्साई में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, जस्ट आपको टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग करनी होती है, जैसा कि हमने बेनियन के बारे में सुना था। और मैम देख रहा हूँ यहाँ पे आपने हट वगैरह लगा के इसको और भी सुंदर बना दिया है, तो एक जंगल के हमें अंदर हट नज़र आ रही है कुछ ऐसे ही इसके अंदर आपने रूप दिया वैसे ही। जी जी वाह, और बहुत ही सुंदर मैम। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे, आपको एक कॉर्नर पे और बॉन्साई दिखाने जा रहा हूँ, और ये भी है बरगद का ही बॉन्साई। मैम ये कितना पुराना होगा? ये 5 ईयर्स का हुआ है अभी, उतना इसमें इसीलिए इतने एरियल नहीं बन पाए हैं जी। एंड एक ये फाइकस का ये उस तरह का लुक देने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। और इसी तरह फ्रेंड अगर आप नीचे देखते हैं, क्योंकि मैम के हर तरह के पौधों की वैरायटी है, तो यहाँ पे आपको ढेर सारे इंडोर प्लांट्स नज़र आ रहे हैं जिनके बारे में अक्सर हम वीडियोस में बातें करते रहते हैं। जब ज़्यादा सनलाइट आने लगते हैं तो थोड़ा ऐसा भी नहीं है कि हम उसको बिल्कुल शेड में रख दें, बट इस तरह से रखें कि बहुत हल्की सी सुबह वाली धूप उनको लगे जो है। और लखनऊ का वेदर तो आप जानते ही, एक्सट्रीम पे हर चीज़ होता है, तो जो बहुत लू वाली वैसे होने लगता है तब हम थोड़ा उसको ग्रीन शेड में रखते हैं, जिससे कि वो बचे रहें गर्म हवा से, बर्दाश्त कर लें जो है, क्योंकि भाई लखनऊ का उनकी नज़ाकत में हमारे पौधों को भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो भी उसी तरह के हो जाते हैं ना, लखनवी अंदाज में अपने रहने लग के आदि हो जाते हैं। फ्रेंड आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल पे चल रही है लखनऊ विंटर सीरीज, समर सीरीज भी हमारे चैनल पर आई थी जो कि बहुत ही अच्छी रही थी, तो उसी से मुझे मोटिवेशन मिला कि मुझे दोबारा लखनऊ जाना चाहिए। तो फाइनली मैं लखनऊ में हूँ, विंटर सीरीज चल रही है, काफ़ी सारे गार्डन में जा चुका हूँ, काफ़ी गार्डन में जाना बाकी है। बैक टू बैक वीडियोज़ चैनल पर आएंगी, हर दिन सुबह 10 बजे वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप हर दिन सुबह 10 बजे चैनल पर ज़रूर आएँ। चलो बागवानी करें चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, क्योंकि मैं यूं ही भारत के अलग अलग गार्डनर्स के पास जाके उनके गार्डन को अपने चैनल पे दिखाता रहता हूं, जिसे देख के आपको बहुत मज़ा आता है। हर दिन आप कुछ नया देख पाते हैं, हर दिन आप कुछ नया सीख पाते हैं, और आप ही के साथ साथ मैं भी सीखता हूं ढेर सारी चीज़ें, और मुझे मौका मिलता है अलग अलग गार्डनर से मिलने का। अगर आप भी मुझे अपने गार्डन तक बुलाना चाहते हैं तो दी गई मेल आईडी पे अभी के अभी मेल कर सकते हैं अपने गार्डन की पिक्चर्स वगैरह, ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी मेल कर सकते हैं, भारत के किसी भी कोने से मेल कर सकते हैं, मैं आपके गार्डन तक ज़रूर आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अगली वीडियो में, अब मैं जाने वाला हूँ ऊपर टेरेस गार्डन पर, और मैम के टेरेस गार्डन पर भी बहुत सारे पौधे हैं, हम उनकी बातें करेंगे और वहाँ पर हम सीखेंगे किस तरह से हमें टेरेस गार्डनिंग करनी चाहिए, किस तरह से हम टेरेस गार्डनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तो जो बिगनर्स हैं उनको भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो आप चैनल पे यूं ही बने रहिएगा, इंस्टाग्राम को जाके फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि गार्डन की रील्स भी बनाई है जो कि आपको इंस्टाग्राम पे देखने के लिए मिलने वाली है। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उतना ही वाटरिंग करिए जितना ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा पानी डालने से प्लांट को गलने का डर रहता है। एक ही तने में आपको अलग अलग पत्तियाँ नज़र आ रही हैं, ऊपर ग्रीन है और नीचे ये वेरिएटेड है।